नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनटी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद की मीरचौक पुलिस ने आज एक शिकायत पर मिराला मंडी के करीब नदीम किराना स्टोर और गीता ब्रदर्स पर धावा करके गेहूं का आटा जब्त किया, जिसमें प्लास्टिक की मिलावट का शुबा है। 16 थैले व्हाइट गोल्ड चक्की फ्रेश आटा जब्त किया और जांच के लिए लेबोरेटरी को रवाना कर दिया। इंस्पेक्टर मीरचौक का बयान। स्टेशन लिमिट में एक अली खान बोलके कंप्लेंट, इन्होंने ये रोटी और खाना बना के पब्लिक को सप्लाई करते पैसे पे। इन्होंने बिजनेस पे जो है नदीम किराना जनरल स्टोर से और नदीम किराना वाले जो है गीता ब्रदर्स स्टोर से वो आटा खरीदे। आटा में जो है प्लास्टिक आरा बोल के बताए थे। वो आटा का बैग जो है एक ब्रांड का नेम पे है। एक एक आटा बैग जो है 50 kg वाला वाइट गोल्ड चिक्की फ्रेश आटा, ये जो है जालना से सप्लाई हुई जैसा वो फोटोस है। वो उसका बैग का कवर है, ऊपर कवर है, मगर उसमें बहुत सारे और चिक्कड़ चिक्कड़ रह के थोड़ा वाटर से फ्रेश करे तो पूरा उसमें प्लास्टिक आ रहा। वो प्लास्टिक जहाँ तक खींच रहा तो भी नहीं टूट रहा, ऐसा ये होते जा रहा वो प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वजह से जो है पब्लिक का हेल्थ खराब होता बोल के हम ये केस बना के जो है SFL को भेजा रहे कि पूरा 16 बैग जो है शॉप गीता ब्रदर्स शॉप ने मिराला मंडी है, मिराला मंडी में गीता ब्रदर्स शॉप में से एक 16 बैग्स जो है सीज करके उसी के ने रख दिए। और ये पूरा चीज़ों में शाम पे लेके स्टेट फूड लेबोरेटरी को भेजा के टेस्टिंग करवाते। इसमें कुछ फॉरन बॉडी मिलाकर हुई या कुछ स्पेशली कुछ प्लास्टिक मिले या नहीं मिले बल्कि अगर वो FSL से SFL से आए तो उसके खिलाफ में FIR बना के जो है उनको अरेस्ट करेंगे। तो जो कंपनी वाले सही भी कंपनी वाले से वो संबंधित कुछ है तो उसको खिलाफ में भी FIR दर्ज करेंगे। ये जो डीलर है डीलर को पता है पहले से कि इसमें ऐसा मिक्स हुआ हुआ है? हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है, हम तो उधर से ही लेते हैं। पब्लिक को इधर से हम थोड़े थोड़े करके रिटेल और होलसेल भी इधर हम सप्लाई कर रहे हैं, पर इसमें क्या हुआ पता नहीं। बोलिए बोले वजह जो है हम FSL को भिजा के वो कुछ फार्म वाली जो मिलाकर हुई वो कौन सी होती बोल के मानो करने सीज करके हम भिजा रहे हैं। सब ब्रांडेड आटे में ये आटे में कोई रेट डिफरेंस कम है क्या? हाँ, रेटों में कुछ कमी नहीं है, रेटों तो तकरीबन सेम ही है। लेकिन जो ब्रांडेड आटा है वही रेट पे ऐसा दे रहे हैं? हाँ, बस ब्रांडेड आटा की रेट पे ही यही चल रहा है। और इंस्पेक्टर फूड वही भी आके विजिट कर रहे हैं। We'll be right back.